मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में, आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ प्याज की भिंडी। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालूंगी मैं छोटा चम्मच तेल। तेल हमारा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे दो कटी हुई बड़ी घंटी प्याज। अब इसको हम हल्का लाइट ही भूनेंगे, ज़्यादा सुनहरा नहीं भूनेंगे। फ्रेंड्स, अब मेरी प्याज हो चुकी है, मुझे इतना ही भूनना था, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच तेल। तेल हो चुका है, अब इसमें हम करेंगे भिंडी फ्राई। अब इसमें पांच मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमारी भिंडी अब फ्राई हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। इसमें डालेंगे जीरा। हरी मिर्च। एक छोटी चम्मच हल्दी। थोड़ा सा पानी। एक चम्मच मिर्च। एक छोटी चम्मच सौंफ। एक चम्मच पिसा धनिया। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, देखो तेल बिल्कुल ऊपर आ गया, मसाला ने कुछ भी छोड़ दिए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज भुनी हुई। अब इसको भी एक मिनट तक खूब भूनेंगे मसाले के साथ। अच्छी तरीके से भुन गई है मसाले के साथ। अब इसमें हम डालेंगे भिंडी फ्राई करी हुई। देखिए फ्रेंड्स, प्याज कितनी अच्छी तरह के भिंडी में दिख रही है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल धीमी धीमी आंच में। बिल्कुल धीमी आंच में हम इसको 10 मिनट तक खूब अच्छे से पकाएंगे, जब तक खूब खुशबू ना छोड़ दे। हेलो फ्रेंड्स, अब मेरी भिंडी बनके रेडी हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी से प्याज की भिंडी बनी है, प्याज और भिंडी। हेलो गाइस, मेरी भिंडी बनके रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर आज आपको मेरी भिंडी प्याज की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।